दुनिया है। तभी उसे उस शिप से टाइगर और रॉबिन्सन बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। मैक और सारे जानवर उन्हें देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। वो सारे जानवर उसे एक दानव समझ रहे थे जो उन्हें खाने के लिए यहाँ आया है। रॉबिन्सन टाइगर को लेकर किसी तरह उस आइलैंड तक पहुँचता है। इतने दिनों बाद जमीन को वापस से देखकर वो काफी खुश हो जाता है। वो सारे जानवर उससे बहुत डरे हुए थे। वो लोग किसी तरह भी उसे वहाँ से भगाने का आइडिया सोचने लगते हैं और फिर वो सारे मिलकर वहाँ बहुत शोर मचाने लगते हैं, जिसे सुनकर रॉबिन्सन बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि यहाँ आदमखोर रहते हैं। वो टाइगर को लेकर वापस जाने लगता है, पर पानी की तेज लहरों की वजह से वो दोनों वापस से आइलैंड पे ही आ जाते हैं। मैक अपने बाकी के दोस्तों से कहता है कि वो लोग उससे छुपे रहें, तब तक वो उस पर नजर बनाए रखेगा और पता करेगा कि वो यहाँ क्यों आया है। रात में रॉबिन्सन डॉग के साथ वहीं अपने टूटे जहाज पे बैठा था और मैक ऊपर से उस पर नजर रख रहा होता है। तभी उसे वहाँ किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत डरने लगता है